वहीं भारत के लिए एक अच्छी खबर है। दरअसल अमेरिकी संसद ने राष्ट्रीय सुरक्षा विधेयक 2019 पारित कर CAATS कानून के तहत भारत के खिलाफ प्रतिबंध लगने की संभावना को खत्म करने का रास्ता निकाल लिया है। प्रतिबंधों के जरिए अमेरिका प्लस के विरोधियों के खिलाफ कार्रवाई कानून CAATSA के तहत उन देशों के खिलाफ प्रतिबंध लगाए जाते हैं जो रूस से महत्वपूर्ण रक्षा उपकरणों की खरीद करते हैं। बता दें कि अमेरिकी कांग्रेस के सेनेट ने 2019 वित्त वर्ष के लिए जॉन एस मैकेन नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट NTAA 10 मतों के मुकाबले 87 मतों से पारित कर दिया गया। वहीं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में यह विधेयक पिछले हफ्ते ही पारित हो चुका है। अब यह कानून बनने के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हस्ताक्षर के वास्ते व्हाइट हाउस जाएगा।